खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बाकी मैं बढ़िया होना तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, मेरा प्रीव्यू में आप जिस तरीके से वीडियो देखा है, अभी जिस तरीके से मेरे स्क्रीन पर आप चलते हुए वीडियो को देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार का टेम्पलेट के साथ आप लोगों को मैं वीडियो आज बनाकर दिखाऊंगा। फुल स्क्रीन में इस तरीके से वीडियो आप किस तरीके से बनाओगे, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं टेक्निकल आर्यन पर आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा। काइन मास्टर ऐप आप लोगों को नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 16.9 का एक्सपेक्ट रेशियो आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा। एडिटिंग पर क्लिक करके इसको आप यहाँ पर फुल स्क्रीन पर कीजिएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। तो अभी आपको एक फ़ोटो को यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जिस फोटो से आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं इस फोटो को यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्यूरेशन को आपको जितने तक आपको वीडियो को बनाना चाहते हैं स्टेटस आप उतने तक आपको कर दीजिएगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, इस फोटो को आपको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बीच में जो पैन एंड जूम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपको हिसाब से आप इस तरीके से दो फिंगर से कुछ इस प्रकार का आप लोगों को जूम करके कुछ इस तरीके से आप फोटो को यहाँ पर आप लोग अच्छा से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार का आपको कर लीजिएगा। तो जैसे कि साथियों अभी देख ही सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को अच्छा से आप लोग एडजस्ट करके इसको लॉक इन पोजिशन तक आपको लॉक कर दीजिएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। इसको जो फोटो का जो ड्यूरेशन रहेगा इसको अभी आप जितने तक स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं उतने तक आपको कर दीजिएगा, कुछ इस प्रकार का आप लोगों को दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको फिर से आपको लेयर पर ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करके इसको आप लास्ट में आपको चले आइएगा। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक इफेक्ट जो है इस पर क्लिक करके कुछ इस वाला फास्ट में आपको कीजिएगा। करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इसको इनक्रीज कर देना है 3 के आसपास, इस तरीके से इंक्रीज कर दीजिएगा। देने के बाद इसको अभी जितने तक आपको स्टेटस का फोटो है इतने तक आपको कर दीजिएगा, यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसको मैं आपको फिर से लेयर पर ऊपर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके यही फ़ोटो आपको फिर से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इस फोटो को मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस फोटो को तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में एक आपको ऑप्शन है यहाँ पर दिखाई देगा क्रोपिंग। यहाँ पर क्रोपिंग वाला ऑप्शन पर जा करके कुछ इस तरीके से आपको 9:16 का एक्सपेक्ट रेशियो में आपको इस तरीके से फोटो को यहाँ पर कट करना होगा आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का कट करने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। ओके कर देने के बाद कुछ इस जगह पर आपको लाइएगा, यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर दीजिएगा। देने के बाद इसको जो ड्यूरेशन रहेगा इसको वीडियो के एंड तक आपको कर दीजिएगा इस तरीके से। देने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में जिस तरीके से फ्रेम जो है PNG आपको डाउनलोड किए थे उस PNG को यहाँ पर आपको लेना होगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरीके से कल करता हूँ आप लोग सेम ही यही स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को मैं समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को मैं कोई भी जो है स्टेप मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ, आप लोगों को मैं जो है आपको सिंपल स्टेप है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, इससे जो फ्रेम है इसको ड्यूरेशन को आपको वीडियो का लास्ट तक आपको कर दीजिएगा इस तरीके से। देने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, ब्रांडिंग का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके इसको स्क्रीन पर कीजिएगा। करने के बाद अभी आपको जिस वाला जो ये जो वीडियो है फोटो है इसको लेयर को ऊपर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ कॉर्नर पर पकड़ के कुछ इस तरीके से कुछ इस जगह पर आपको लाइएगा इस तरीके से। यहाँ पर आप लोगों को अच्छा से आप लोगों को यहाँ पर सेट करना होगा।
तो मैं जिस तरीके से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कुछ इसी प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर अच्छा से बहुत ही बढ़िया से आप लोगों को यहाँ पर आपको सेट करना होगा। तो आप लोग का अच्छा से सेट नहीं हो रहा है तो आप लोग क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पर जाकर के इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं जिस तरीके से यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर करना होगा। तो आप देख ही सकते हो बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार का आप कीजिएगा तो आप लोगों को जो है बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई अभी देने लगेगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, फिर से लेयर पर ऊपर क्लिक करना होगा, मीडिया पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग को एक टेम्पलेट वाला वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस वाला टेम्पलेट वीडियो को इस जगह पर आपको लाइएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग का नीचे आना होगा, राइट साइड में एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाकर के आपको स्किन कर दीजिएगा। तो इसको अभी जहाँ पर आप रखना चाहते हो कुछ इस जगह पर आपको ला करके इसको यहाँ पर अच्छा से एडजस्ट कर दीजिएगा। तो इस फोटो को यहाँ पर आप जो है क्या करना होगा, बिगनेट जो है इसको वन कर दीजिएगा। इस फोटो को बिगनेट को वन कर देने के बाद इसको अभी ड्यूरेट आप चाहे तो इसको सिचुएशन जो है आप कम कर सकते हैं। एडजस्टमेंट पर जा करके इसके एडजस्टमेंट पर जा करके आप इसको जो है अपेसिटी कम कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, सिचुएशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, जो आप लोगों को फोटो में और भी आप लोग को चमक देखने को मिलेगा। तो इतना हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको फिर से यहाँ पर लेयर पर ऊपर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके आपको फिर से एक जो टेम्पलेट है इसको यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। इस वाले टेम्पलेट को आप यहाँ पर आपको डाउनलोड करना होगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसको अभी चाहे तो आप इस तरीके से, मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ इस जगह पर आपको लाइएगा। कुछ इस जगह पर आपको जहाँ पर आप अच्छा लगे वहाँ पर आपको अच्छे से एडजस्ट करना है। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आ जाइएगा, यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगेन आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जा करके यहाँ पर अगेन आपको स्किन कर दीजिएगा। देने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, इसको जो ऑडियो है मैं म्यूट कर लेता हूँ, अभी मैं इसको ऑडियो को म्यूट कर लेता हूँ। जो इसको म्यूट करने के बाद इसको ऑडियो को मैं थोड़ा सा आप लोगों को म्यूट करके, नहीं तो कॉपीराइट का पंगा हो सकता है, उसीलिए मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा म्यूट कर लेता हूँ। तो इसको अच्छा से आप लोग एडजस्ट यहाँ पर आप लोग अच्छा से एडजस्ट कर दीजिएगा। जो देने के बाद अभी आपको जो है फोटो आपको कुछ इस प्रकार का आप लोगों को वीडियो है दिखाई देने लगेगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार देखने को इस तरीके से मिलेगा आप लोगों को। तो अभी आपको क्या करना होगा, आपको फिर से अगेन आपको लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया पर क्लिक करके आप लोगों को फिर से एक कलरफुल टेम्पलेट आपको यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना होगा। तो इस वाला टेम्पलेट को यहाँ पर आपको लीजिएगा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट करने के बाद इस बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पर कीजिएगा। करने के बाद इसको जो ऑडियो है इसको म्यूट कर लीजिएगा। इसको ऑडियो आपको म्यूट करने के बाद इसको अभी नीचे आना होगा, अगेन आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है, अगेन आपको स्किन कर दीजिएगा। देने के बाद आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फिर से आप लेयर पर ऊपर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके अभी आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करके और आप लोग को एक टेम्पलेट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। कौन सा टेम्पलेट है यहाँ पर मेरे को नहीं है, तो यही पर भी है, तो इस वाला टेम्पलेट को, सॉरी गाइस ये नहीं है, तो मैं और भी एक टेम्पलेट को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को इस वाला PNG को आपको लेना है। लेने के बाद इसको इस तरीके से रोटेट कर दीजिएगा, इस तरीके से आपको हाथ से पकड़ के कुछ इस तरीके से आपको अच्छा से यहाँ पर आप एडजस्ट कर दीजिएगा। और भी आप लोगों को जो फोटो का है उसको अभी चमक देखने को मिलेगा आपको, वीडियो को और भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को शानदार देखने को मिलेगा। फिर से आप लोग इसमें क्लिक करके अगेन ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जा करके इसको स्किन कर दीजिएगा, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अभी आपको फिर से आपको क्या करना होगा, फिर से मेरे यहाँ पर लेयर पर ऊपर क्लिक करना होगा, लेयर पर ऊपर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को फिर से इस जगह पर क्लिक करके इस वाले टेम्पलेट को यहाँ पर आप लोगों को फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको ये इस तरीके से हाथ से पकड़ के कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो सॉरी गाइस यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ये हुआ है। तो
गाइस अभी आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आप करिएगा तो आप लोगों को जो वीडियो है और भी आप लोगों का शानदार वॉसो में यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करके मैं फिर से यहाँ पर लेता हूँ, मेरे को यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। इस वाला टेम्पलेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, लेने के बाद इसको यहाँ पर पकड़ के तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को बड़ा कर लेना होगा। बड़ा करने के बाद यहाँ पर आप इस तरीके से कर दीजिएगा, देने के बाद इसको ऑडियो को आपको म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट करने के बाद इसको यहाँ पर नीचे आना होगा, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जा करके इसको स्किन कर दीजिएगा। तो लीजिए दोस्तों, आपको जो वीडियो है फाइनली कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं आप लोगों को वीडियो कुछ इस प्रकार का बन के यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। इसको जो फालतू का पार्ट है इसको यहाँ पर जो डिलीट कर दीजिएगा, ट्रिम टू राइट एंड प्ले हट कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको जो वीडियो है इसको कट करना होगा आप लोगों को, इसको इस तरीके से आपको कट कर दीजिएगा। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा, आपको पसंदीदा रेजोल्यूशन सिलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा।